भारतीय सेना परंपरा के अनुसार श्री अमरनाथ जी यात्रा के संचालन में शामिल रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रा में किसी भी प्रकार के विघ्न ना हो। हमने श्रद्धालु जनों के लिए एक सुरक्षित और यादगार यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक प्लान तैयार किया है, जिसमें इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और CAPF के दस्ते साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस यात्रा के रास्ते की सिक्योरिटी के लिए ग्राउंड फोर्सेस, हवाई एसेट्स और टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया गया है। सेना के विशेष बल यात्रा की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हमने स्नाइपर्स, ड्रोन सर्वेलेंस, एंटी ड्रोन सिस्टम, बॉम्ब निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड भी तैयार किए हैं। यात्रा के दौरान आवास प्रदान करने के लिए सेना ने टेंटेड सुविधाओं के साथ कई यात्री शिविरों को तैयार किया है। यात्रियों को यदि किसी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़े, उसके लिए जगह जगह पर मेडिकल असिस्टेंस पोस्ट और गंभीर केसेस को एयर इवैक्यूएशन करने की सुविधा भी तैनात की है। कुछ साल पहले अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने के इंसिडेंट के अनुभव पर आपात स्थिति के लिए बचाव दल और अर्थ मूवर्स को पवित्र गुफा के रास्ते में कई स्थानों पर रखा गया है। हमने सिविल एजेंसीज और विभिन्न एजेंसियों के ट्रेन माउंटेन रेस्क्यू टीम और एवलांच रेस्क्यू टीमों को सही जगह पर पोजीशन किया है। हमने स्थानीय लोगों के साथ भी बातचीत की और यात्रा के आर्थिक और टूरिज्म संबंधी लाभों पर प्रकाश डाला है, जिससे ये यात्रा टूरिस्ट के लिए संस्कृति और कश्मीरियत को प्रदर्शित करने का एक अवसर बनकर सामने आया। भारतीय सेना ये आशा करती है कि यात्रियों को सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से एक समृद्ध अमरनाथ यात्रा 2024 का अनुभव मिले। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यात्रा संपन्न होने तक इंडियन आर्मी आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। जय हिंद।